इसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए। और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया जो कि हमारी हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी व रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से जो उसका हिंज होता है उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दिया। शुभम मंडल बॉक्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है। और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं जिससे कि किसी को कोई शक सुबह न हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनकड़, नीतू धीरज गोल्डी आदि अन्य लोगों को भी पासवान किया, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है। इस तरीके से अभी तक की विवेचना जो हुई उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी उसमें से 2 पालियों के परीक्षे के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे लिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी इनको ये कार्य दिया गया था उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित माननीय न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को
कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगा।